हेलो दोस्तों, पीटी फीवर की हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हुए मिले, आप लोगों ने थैंक्स किया। सबसे पहले बात ये कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, उस चीज़ के लिए आप लोगों सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी, आप लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, उस चीज़ के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ दे सकूँ। तो दोस्तों, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया एक ओवरव्यू किस तरीके से था यूपीएससी का, कि किस तरीके से यूपीएससी के अंदर पीटी किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में अक्सर पूछा जा रहा, मतलब एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हिस्ट्री, इसकी पीटी के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, हर स्टूडेंट जो है वो अक्सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हिस्ट्री से डरते हैं, और बहुत सारे तो बीटेक और बीएससी टाइप के जो बीएससी किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर हम हिस्ट्री पढ़े ही क्यों। देखो यार, आप आईएएस बनने जा रहे हो और उसकी अखबार उसका अगर सपना ले रहे हो तो आपको अपने देश का अपना इतिहास पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इतिहास पर शिक्षाओं से चलती है। जैसे एक इंसान की लाइफ में उसका एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, हिस्ट्री उस सोसाइटी का, उस कंट्री का एक्सपीरियंस है। अगर आपने हिस्ट्री से लेसन्स नहीं लिए हैं तो आने वाले टाइम में उस कंट्री को, अगर जो देश, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है कि जो देश हिस्ट्री से लेसन्स नहीं लेता है, आगे आने वाले समय में उसे वही हिस्ट्री दोबारा दोहरानी पड़ती है। ये याद रखिए, बिटर ट्रुथ है। जो इतिहास से शिक्षा नहीं लेगा वो इतिहास हमेशा दोहराएगा, उसे इतिहास को दोहराना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ पाएगा। और अगर आपने नहीं ली है शिक्षा तो आपके साथ प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए हिस्ट्री एक आपकी सिस्टम, आपके सिस्टम का, आपके क्या नाम है, सब्जेक्ट्स का, एंट्रेंस एग्जाम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट वगैरह है, सब चीज़ें इनमें से, तो सवाल यह है हिस्ट्री से क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं पीटी के अंदर। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि हिस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट्स के अंदर आप लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को आप देखेंगे, और कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में मेरे को आपको बताना है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसका एक पार्ट ये है, दूसरा मिडिवियल हिस्ट्री है, और तीसरा एंशियंट हिस्ट्री है। ये नॉर्मल सी बात है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। अब इसका कोई क्लियर डिमार्केशन कभी नहीं होता, इतना समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद एंशियंट या मिडिवियल या मॉडर्न शुरू होगी। हिस्ट्री लगातार है, बस इसको, मतलब एक लगातार चलती हुई प्रोसेस है जिसमें हम डेट्स को इसलिए याद कर लेते हैं ताकि उसके बाद क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए वो दिखाई देने लगे, वो हमें याद करने में आसानी हो। अब यहाँ अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले तो हम तीनों की बुक देख लेते हैं। यहाँ एक राजीव अहीर आईपीएस हैं, उनकी बुक है जो आप लोगों को पढ़नी है। स्पेक्ट्रम पब्लिशर इसको पब्लिश करता है, राजीव अहीर आईपीएस है, इनकी बुक है स्पेक्ट्रम। ये आपके, इसको बार बार आपको पढ़ना है, रटना है। जितना ज़्यादा अच्छे से, बारीकी से इस किताब को पढ़ेंगे, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आपको नज़र आएंगे। उसके बाद मिडिवियल की जो बुक है वो ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा वाली, वो ही आपके लिए बहुत है, और एंशियंट के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी। अब इसे कितनी ईमानदारी से, कितने अच्छे तरीके से, कितने रेगुलर तरीके से आप पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तो हो गई बात बुक्स की। अगर मैं इसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करूं कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन क्या पूछ रहा है, तो देखिए कौन किस टॉपिक में, मतलब आयोग जो है, यूपीएससी जो है, वो किस सब्जेक्ट में से या किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछेगा, इसके बारे में जो प्रेडिक्शन करता है वो बेवकूफ़ी भरा काम है यार। पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्शन करना, इतना समझ लीजिए। हाउ यू कैन प्रिडिक्ट अ क्वेश्चन पेपर सेट बाई यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर को आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो कि वही आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, जो आ गया वो तुक्का है, बिहेवियर नहीं है, वो जब मर्जी अपनी चाल बदल लेता है। आप पिछले कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड, पेपर्स का ट्रेंड देख लीजिए। अब
मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले हमने स्टार्ट ही मॉडर्न हिस्ट्री से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री से इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और पीटी के अंदर अक्सर वो क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। देखो दोस्तों, एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री को नॉर्मली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसका एक चौथा सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे चार सेक्शंस में देख लीजिए। एक वो पार्ट है जो अप्रॉक्सीमेट औरंगजेब की डेथ से लेकर प्री मॉडर्न, जिसे आप कह सकते हो, और 1757 तक का पीरियड है। 1707 से 1757 तक का एक पीरियड है, 1757 से और 1818 तक का मैं दूसरा पीरियड मानता हूं, 1813 इसे आप देख लेंगे, 1813 एक पीरियड है, 1813 से लेकर और 1885 तक हम इसे चौथा पीरियड मानेंगे, और 1885 से 1947 1964 तक का एक सेक्शन है, समझे। असलियत में यही मेन चेंजेस हैं जो आपको देखने हैं, और किस सेक्शन में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। यहां अगर आप देखते हैं तो यहां अगर इस 1707 से 1757 तक देखेंगे तो यहां जो राइज ऑफ रीजनल पावर्स यानी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, ये जो राइज ऑफ रीजनल पावर्स है इसमें आप देखेंगे कि कहीं मराठा का उदय हो रहा है, कहीं मराठा, कहीं हैदराबाद, कहीं अवध, कहीं मैसूर, कहीं बंगाल, मैसूर और बंगाल, यहाँ इनके जो है किंगडम्स और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन कभी कभार भूले बिसरे आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी भूले बिसरे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि किस मुगल के टाइम पर गौ हत्या पर बैन था, कब नादिर शाह ने अटैक किया, कब अब्दाली ने अटैक किया, किस राजा को अंधा कर दिया, किसने लास्ट में सबसे लास्ट में जजिया हटाया, किसके टाइम पर बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर अटैक किया, किसके टाइम पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, किसके टाइम पर, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट, किसके टाइम पर मुगल ऑफिसर्स जो हैं या मुगल बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, कौन बैटल ऑफ प्लासी में बक्सर में था, मतलब ये सब चीज़ें आपको यहाँ इस डिक्लाइन ऑफ मुगल तक के अलग अलग क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूछ लिया जाएगा, समझे, कई बार कुछ, तो एक वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें कभी कभार पूछे जाते हैं, ये नेचर नहीं है। पीएससी में देखेंगे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यूपीएससी यहां से क्वेश्चंस कभी कभार पूछता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन जरूरी है तो इसको इसी हिसाब से प्रिपेयर कर लो। इसका बेसिक कंसेप्ट नो डाउट एनसीईआरटी से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजीव अहीर के अंदर इसका बहुत अच्छा मटेरियल दे रखा है, वो देख लें, या फिर लूसेंट नाम की जो बुक है 100 रुपए की, हो सकता है आप लोग मेरा इस चीज में विरोध करेंगे कैसी बुक बता दी, लेकिन मेरे लिए बुक है, उसके अंदर मटेरियल है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये महंगी बुक है और मोटी बुक है तभी अच्छी है, मेरे लिए तो वो 20 पन्ने बहुत हैं जो मेरा पेपर पास करवा दे। तो लूसेंट में से इन रीजनल पावर्स को याद कर लेंगे, या मैकबुक उठा ले, थोड़ी महंगी किताब आपके लिए होगी, उसमें से अगर आप ये रीजनल पावर्स वगैरह को पढ़ लेंगे तो मेरा ये 1707 से 1757 वाला, तो मेरा मानना ये है कि इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम लेवल पर हो जाते हैं।
एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो हो जाता है। अब दूसरा पार्ट जो है वो यहां 1757 से 1813 के अंदर है, यानी ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी ब्रिटिशों की भारत विजय, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिशों की भारत विजय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहां से ब्रिटिशर्स ने मराठों को कैसे हराया, मैसूर को कैसे हराया, हैदराबाद से क्या रिलेशन थे, पंजाब से लेकर सब जितने भी, पंजाब हालांकि बाद में जीते थे, फिर भी यहां आप कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसीज को पढ़ेंगे, यानी ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहीं पर आप ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों की नीतियां भारत के प्रति बदलती रही। यही वो पोर्शन है जब आप लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व पढ़ते हैं, यही वो पोर्शन है जहां आप सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि पढ़ते हैं, यही वो पोर्शन है जहां आप पुलिस रिफॉर्म्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सुधार तक पढ़ते हैं। इसे समझिए, भू राजस्व, सहायक संधि, पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सुधार, इस तरीके से सारे के सारे सिस्टम्स को आप यहां पर पढ़ते हैं। जब ये सारे के सारे सिस्टम्स आप यहां पढ़ते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज के अंदर, लैंड रेवेन्यू, सब्सिडी, अलायंस वगैरह, तो आपको पता लगता है, समझ में आता है कि सब चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पर क्वेश्चंस यहीं से बन रहे हैं। यहीं आप रॉबर्ट क्लाइव भी पढ़ेंगे, यहीं आप वारेन हेस्टिंग्स भी पढ़ेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस, ये सारे के सारे पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आप यहीं पर डिक्लाइन ऑफ मराठास भी पढ़ लेंगे, मराठों के साथ क्या पंगा हुआ था, ठीक है। तो और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की कहानी यहीं से शुरू होती है और वेलेजली इसके अंदर भी पढ़ा जाता है। ये मेजर मेजर पोर्शन है जहां से आपके इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ये मेजर पोर्शन है जहां से इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझे। तो इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। यहां अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से तीन क्वेश्चंस आते हैं, और खासकर गवर्नर जनरल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लैंड रेवेन्यू या इन सब तक जगहों से। तो आप इसमें से इस पार्ट को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। भाई टाइम तो देखो, मैं तो कहूंगा सभी 100% सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चे दिमाग लगाते हैं यार कौन सा पढ़े और कौन सा ना पढ़े, तो इस पोर्शन को थोड़ा कम पढ़े, इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़े। अगर इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से तीन आएंगे, समझ रहे हैं। अब इसके बाद 1813 से लेकर 1885 तक, ये वो पोर्शन है जहां ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट पूरा हो चुका था, अब यहां ब्रिटिश पॉलिसीज मेन है, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इंडियन रिएक्शन मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों की क्या नीतियां थी और भारतीयों की उसमें प्रतिक्रिया क्या थी, अंग्रेजों की नीतियां क्या थी और भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी। अगर आप इस अंग्रेजों की नीति और भारत की प्रतिक्रिया को समझ लेंगे, ये सिंपल प्रोसेस को समझ लेंगे, तो आप इस सेक्शन में कभी भी मार नहीं खाएंगे, समझे। ब्रिटिश पॉलिसी अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजों की यहां पर रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, यहां पर अंग्रेजों की मिलिट्री पॉलिसी क्या थी, यानी धार्मिक नीति क्या थी, सैन्य नीति क्या थी, यहां पर ब्रिटिशर्स की क्या नाम है रिलीजियस पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, सोसाइटी के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से ये चेंज हो गई, और सबसे बड़ी बात ट्रेड की पॉलिसी यानी व्यापार की नीति क्या थी। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अगर आप देखते हैं
तो यहीं पर आपको बहुत सारे रिवोल्ट एंड रिबेलियंस पढ़ने पड़ेंगे, और इसी रिवोल्ट और रिबेलियन की कड़ी में 1857 का रिवोल्ट आपको देखना है। मैं बार बार बता चुका हूँ, रिवोल्ट, रिबेलियन, विद्रोह जो है, उपद्रव, विद्रोह वगैरह जो हैं, उसमें पीजेंट यानी किसान विद्रोह, ट्राइबल यानी कि आदिवासी विद्रोह, इसके बाद सिविल यानी कि नागरिक विद्रोह, और म्यूटिनी यानी कि सैनिक विद्रोह आपको देखने हैं। यहाँ पर इंडियन रिएक्शन हो गया ये। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी और दूसरी चीज़ों में अगर आप देखते हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी में मैकॉले की पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं आप देखेंगे राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया। मिडिल क्लास इन इंडिया जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड था, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त था, वेस्टर्न एजुकेटेड यानी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त था। राइज ऑफ मिडिल क्लास, मध्य वर्ग का उदय जो कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त था, और इसी ने सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स करना शुरू किया था। यकीन मानिए, इस 1857 रिवोल्ट से, इस 1857 रिवोल्ट से, इन सारे रिवोल्ट रिबेलियन से, इस सोशल रिफॉर्म्स से, इस रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट से, एजुकेशन रिफॉर्म से, एजुकेशन पॉलिसी से और ट्रेड पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने बताया तीन क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। सोचिए ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के कंपैरिजन में। आप ये पढ़िए, ब्रिटिश पॉलिसीज़ में गवर्नर जनरल और वाइसराय पढ़ेंगे, इस ब्रिटिश पॉलिसी में आप क्या पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल प्लस वाइसराय पढ़ेंगे, समझे। उसके बाद आपके सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, राइज ऑफ मिडिल क्लास यहाँ आप देखेंगे, 1857 रिवोल्ट से लेकर ये सब चीज़ें आपने पढ़नी ही पढ़नी है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और ट्रेड पॉलिसी, सोसाइटी के लिए उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए या क्या थे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकल निकल के आते हैं, लेकिन खास बात ये है, यहाँ आपको टेबल्स रटनी पड़ेंगी, वही लूसेंट में से। हालांकि राजीव अहिरे में बहुत अच्छी टेबल्स देख रखी हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि लूसेंट में बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पर जाकर अच्छे से टेबल दे दी गई हैं, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, समझे। मैं उस किताब का फैक्ट्स हैं, उसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट कुछ नहीं है लूसेंट में, फैक्ट्स हैं। एक पॉइंट पर जाकर सारे फैक्ट या मैक्सिमम फैक्ट्स मिलने के लिए वो 100 रुपये की किताब बुरी नहीं है। आप बेशक महंगी किताब खरीद लिए, वही चीज कॉपी करके रख रखा है, ठीक है। मैं कहूंगा राजीव अहिर पढ़ें, लेकिन कई बार बहुत सारे फैक्ट्स राजीव अहिर में पूरे नहीं दे रखे, तो लूसेंट में एक टेबल की फॉर्म में सस्ते में दे रखे, सस्ते मीन्स कम में दे रखे हैं, टाइम बचा देगी इधर उधर से भटकने से, अच्छा 10 ईयर तो जरूर करेंगे ही करेंगे। अब आ जाता है 1885। अच्छा, इस पोर्शन में एक चीज और है, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जरूर पढ़ेंगे, यहां राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जरूर पढ़ेंगे। छोटी छोटी पार्टियां यहां उदय हो गई थी, तो उन छोटी छोटी पार्टियों को आपने यहां पर पढ़ना है, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। 1885 से 1964 एक नया पोर्शन आता है, इसे आप अलग अलग फेजेस में देखेंगे। ये असलियत में अगर आप इसे डिफाइन करेंगे, तो राइज ऑफ कांग्रेस और राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ये सेक्शन दो पार्ट्स के लिए जरूरी है, कि कांग्रेस का उदय कैसे हुआ और भारत में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ।
भारत में कांग्रेस का उदय और साथ में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ, और अंग्रेजों की यहाँ ब्रिटिश पॉलिसी, ये कम्युनलिज्म और कुछ भी नहीं, ये आउटकम ऑफ कॉलोनियल ब्रिटिश पॉलिसीज था। ये उपनिवेशवादी ब्रिटिश नीतियों का ही परिणाम था, ये उपनिवेशवादी ब्रिटिश नीतियों का ही परिणाम था, समझे? राइज ऑफ कांग्रेस और सॉरी कम्युनलिज्म। अब यहाँ 1885 से 64 के पीरियड को भी अलग अलग सेक्शंस में आप डिवाइड करते हैं। सबसे पहला 1885 से लेकर 1905 तक, फिर 1905 से 1918 तक, 1918 से लेकर 1947 तक और फिर 1964 तक। ये चार हिस्से आप लोगों ने डिवाइड करने हैं। चार हिस्सों के अंदर अगर आप 1885 से 1905 के अंदर मॉडरेट फेज पढ़ते हैं तो यहां आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस को उठाकर देखें तो 1892 एक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में कर्जन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्जन को पढ़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डफरिन को पढ़ो ना पढ़ो, कर्जन जरूर पढ़ो। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, समझे? हालांकि उससे पहले यहां अगर आप 1813 में देखें तो यहां एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लिटन और रिपन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मायो भी पढ़ लेना, समझे? तीन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। और अच्छा, इधर हम डलहौजी तो भूल ही गए, डलहौजी और कैनिंग, इनको तो भूल ही गए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो कर्जन को आप कभी नहीं भूल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर यही है। यहां 1905 से 1918 के बीच ये जो फेज है ये एक्सट्रीमिस्ट फेज है, और इस एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंदर ये एक एक्सट्रीमिस्ट फेज है, और इस एक्सट्रीमिस्ट फेज में आप ये देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ना जरूरी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद 1909 एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ सेशन और होम रूल मूवमेंट और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड इंडिया के जितने भी चेंजेस थे उन सब को यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, समझे? छोटे छोटे पोर्शंस हैं, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, पार्टीशन में क्या हुआ, डेट्स वेट्स, क्योंकि कभी कभार ये जिसे कहते हैं ना कि एकदम से घूमते फिरते बम मारने वाला सवाल है कि एकदम से घूमते फिरते कोई ना कोई आया और सवाल आपके ऊपर छोड़ दिया और आप घबरा गए कि होगा क्या, समझे? यहां 1918 से 1947 के बीच में गांधीयन फेज आता है, गांधीयन फेज आता है, और इस गांधीयन फेज में आप सबसे पहले थ्री एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। थ्री एक्सपेरिमेंट्स में कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे। तीन एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, और रॉलेट एक्ट के बाद आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे, इसी के साथ आप सिविल, उसके बाद स्वराज पार्टी पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी पढ़ेंगे, फिर साइमन कमीशन पढ़ेंगे। साइमन कमीशन पढ़ने के बाद आपके पास अगला जो सेक्शन है वो लाहौर सेशन हो जाएगा। लाहौर सेशन से पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी वो हो जाएगा,
और उसके बाद डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा CDM हो जाएगा। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, उसी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, उसी के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद क्या नाम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिनके अकॉर्डिंग ये आया 1935 एक्ट, हालांकि 1919 एक्ट भी हमारे को लिखना यहां पर चाहिए, ये एक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। इसके बाद पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं और इंडिपेंडेंस, यहां आप किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग के रोल को नहीं भूल सकते और किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स के रोल को नहीं भूल सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आप ये देखिए यहां 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस सेक्शन में, तो इस 40 सेक्शन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि अगर मान लिया 20 क्वेश्चन आए हैं तो ये एक पैटर्न होगा। इसमें अभी भी बहुत सारे लॉर्ड या वाइसराय जितने भी हैं वो तो आप किसी भी तरीके से भूल ही नहीं सकते, वाइसराय और गवर्नर जनरल जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और रोल ऑफ माउंटबेटन तो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझे। अब 1947 से 64 के बीच में अगर आप आते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में से क्वेश्चन आते हैं, साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ कश्मीर इशू, रीऑर्गेनाइजेशन से लेकर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं, लैंग्वेज इशू से लेकर पूरे के पूरे टॉपिक्स की एक लिस्ट है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, कभी कभार 1 या 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सेक्शन वाइज आप किसी भी टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं, सेक्शन वाइज अगर आप किसी भी टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा आसानी हो गई है। इन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए पीटी को और इनमें से फैक्ट्स को देखिए, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स आते हैं और आपको फैक्ट्स में उलझाया जाता है, समझे। लेकिन वो फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, समझे, बहुत कम चांसेस होते हैं जो फैक्ट इंडिविजुअल होता है, नॉर्मली फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। आप अगर इन फैक्ट्स को कनेक्ट करना सीख गए, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। ये तो हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। अब मैं एंशियंट और मिडिवियल का सेक्शन शुरू करता हूं। अब आ जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री पर। एंशियंट हिस्ट्री से सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, समझे, कि कैसे याद करेंगे। देखो इसका सबसे पहला पोर्शन है स्टोन एज पाषाण काल, इसमें गिनी चुनी 2 या 4 गुफा के नाम याद कर लोगे, जैसे भीमबेट का वगैरह, तो ठीक है, वरना मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इस स्टोन एज से बच के निकल जाओ। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला ये पोर्शन है, पहली किताब खोलते ही सबसे पहली यही पोर्शन आता है, सबसे डरावना है, भयंकर है, दुखी करने वाला है, परेशान करने वाला है, रुला देने वाला है, और यही सबसे बड़ी इसकी रियलिटी है, इसलिए इस पोर्शन से दूर रहे। इसके बाद अगला पोर्शन आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एक मैप उठाओ, उस मैप पर निशान लगा लो कि हड़प्पा के साइट्स कौन कौन सी हैं,
एक टेबल दे रखी होती है किसी भी किताब में, लूसेंट और मैकबुक वगैरह में, उस टेबल को उठाएं, कौन सा पत्थर, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे मिली, वो सीधा सीधा रख डालो। पहले साइट्स के नाम, 12-15 साइट्स हैं, अगर कहोगे तो आप लोगों को बता दूंगा, मैसेज कर देना, हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी साइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वरना आप किसी लूसेंट वगैरह में से भी देख लेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसी की वैसी चीज़ें याद कर लो। सीधा सीधा सवाल आता है, कहाँ कौन सी साइट पे कौन सी चीज़ मिली, और दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इससे ज़्यादा आपको हड़प्पा में याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा क्वेश्चन भूला बिसरा आता है, वो भी तब जब कहीं ना कहीं कोई डिस्कवरी या कुछ इन्वेंशन हो गया हो, वरना हमारा सब्जेक्ट ऐसा है इसमें जल्दी से बदलाव नहीं होता, मोस्ट स्टैटिक सब्जेक्ट है। हड़प्पा के बाद एक पीरियड आता है, वैदिक पीरियड। इसमें इसका जो लिटरेचर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्वेद में क्या है, कौन सा ऋषि है, कौन सा मुनि है, किसने आश्रम बनाया, आश्रम गोत्र सिस्टम से लेकर सब चीज़ें, ये सवाल लिटरेचर में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत एक आधा तीन शब्द टेक्स्ट के हैं वो पूछ लिए जाएंगे, बाकी इसमें से कुछ नहीं आना। ऋग्वेद वगैरह जो सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है, और वर्ण सिस्टम कहाँ है, पुरुष सूक्त थ्योरी कहाँ है, इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इसका घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। मजबूरी ये है, एक एक क्वेश्चन पे खेलना इम्पॉर्टेंट होता हो जाता है कई बार, अगर पेपर टफ आ जाए तो। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इनको याद करते रहिए, और रटने की जब जगह है ना, आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते रहो। किताब खोली, पन्ने पे 15 मिनट में नज़र मारी, हो गया, बंद करके सो गए, फिर दोबारा आए 15 मिनट में नज़र मारी, फिर इधर उधर टहल आए, मतलब एक टॉपिक या दो तीन टॉपिक्स इकट्ठे पढ़ते चले जाओ, वो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आए 15-20 मिनट दिए, दो चार पेज पढ़े, घूम फिर लिए, ये तरीका होता है इसको पढ़ने का। उसके बाद महाजनपदास एक टॉपिक है, इस महाजनपदास में से एक तो क्वेश्चन आएगा रिलीजियस रिफॉर्म्स का, इस रिलीजियस रिफॉर्म्स में से जैनिज्म और बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके साथ अदर सेक्ट्स भी थे, अन्य समूह भी थे, अन्य वर्ग भी थे, उनको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। और उसके बाद 16 स्टेट्स और उनकी कैपिटल, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस सेक्शन में से क्वेश्चन 2 से 3 बन सकते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो। 2 से 3 क्वेश्चन इस एंशियंट हिस्ट्री से बन सकते हैं, समझे, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब महाजन बदाज के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइज ऑफ मगध एंड मौर्यन एम्पायर। मैं सजेस्ट करता हूं कि ये मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो सिर्फ अशोका को पढ़ के चले जाओ, वरना राइज ऑफ मगध में इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज पूछी जाती हैं, यानी मुख्य राजवंश पूछे जाते हैं, और मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इन दो को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। अशोका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख कौन सा कहाँ और कितने हैं, 13 रॉक एडिक्ट्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें किस में क्या लिखा है, 9 से लेकर 13 तक के सारे याद कर लेना। ये इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख कहाँ मिले हैं वो याद कर लेना, इनकी स्क्रिप्ट याद कर लेना, और इनकी लैंग्वेज याद कर लेना, भाषा और लिपि। सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कहाँ पर कौन सा था, और सीधे सवाल का सीधा जवाब होता है एक सवाल। एक आधा सवाल आपको यहाँ से घुमा फिरा के हर 1-2 साल बाद रखा हुआ मिलेगा, साइकिल में हर 1 या 2 साल बाद ये सवाल आपको दिखेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। अगर सवाल दिख रहा है तो इस सवाल को इग्नोर
नहीं किया जा सकता मेरे को लगता है, और इसीलिए आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मगध के बाद फिर कहीं ना कहीं पोस्ट मौर्यन यानी उत्तर मौर्य काल आया, पोस्ट मौर्यन यानी उत्तर मौर्य काल आया। मेरा मानना यह है इसमें एक तो सातवाहन डायनेस्टी याद कर लेंगे, इनमें से सवाल पूछा जाना है, और इसी टाइम पर कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर डेवलप होना शुरू हो चुका था, तो वो आर्किटेक्चर के तरफ ध्यान देना शुरू कीजिएगा। आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हो चुका था सातवाहनाज में, आर्किटेक्चर जब डेवलप हुआ था सातवाहनाज में, आर्किटेक्चर जब डेवलप हुआ तो वहीं पर आप अजंता की गुफाएं और बाद में इसी से जुड़ी हुई अलोरा की गुफाएं, इसी से जुड़ी हुई और दूसरी केव्स वगैरह डेवलप होनी शुरू हो गई, उसकी तरफ ध्यान देंगे। यहीं पर बहुत सारे पार्थियंस आए थे, शक कुषाण पार्थियंस जिन्हें इंडो ग्रीक कहा गया, उनको याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उसमें वो रटने की ज़रूरत नहीं है, डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा कनिष्क के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको आयुर्वेद और लिटरेचर मिलना शुरू हो जाएगी। प्लीज़ इस लिटरेचर को रटना शुरू कर दो, इम्पॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स इन्हें रटना है बस, मतलब बार बार पढ़ोगे तो अपने आप टेबल देख लिया ध्यान में आ जाएगा, वो सब कॉन्शियस नॉलेज में जाता चला जाएगा, डेवलप हो जाएगी। इन चीजों को बार बार पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि सब कॉन्शियस नॉलेज डेवलप हो जाए, कॉन्शियस ना भी हो पाए तो। कॉन्शियस तो 100% श्योर होता है, सब कॉन्शियस में पता होता है कि हल्का हल्का क्या है, तो कम से कम बार बार पढ़ोगे ना तो वो सब कॉन्शियस नॉलेज डेवलप हो जाएगी इसकी। ये 100% कॉन्शियस नॉलेज को डेवलप करने का इसका कोई फायदा नहीं है, इसे सब कॉन्शियस नॉलेज में डेवलप कीजिएगा। पढ़ते रहो समझते रहो बार बार रिवाइज करते रहो, समझने को बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, रिवाइज करते रहो। आगे आ जाता है गुप्ता पीरियड। इन गुप्ताज के अंदर एक तो आप समुद्रगुप्त याद कर लेंगे, और मेरा मानना यह है कि इसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। गुप्ता पीरियड के अंदर एक तो यहां पर लिटरेचर, दूसरे इनके टेम्पल्स, और तीसरे इनके टैक्स, और चौथे इनके ऑफिसर्स। लिटरेचर टेम्पल्स को तो रटना पड़ेगा, एक आधा क्वेश्चन हर चीज में आ जाता है। लिटरेचर और टेम्पल जो है वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होने की वजह से कौन सा टेम्पल कहाँ है और किस डिजाइन या किस स्टाइल में बना है वो आपको ज्यादा जरूरी है। और इसी गुप्ता पीरियड में साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वहां की डायनेस्टी याद करने की जरूरत नहीं है, टेम्पल्स याद करने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स कौन कौन से हैं, मंदिर कौन कौन से हैं साउथ इंडिया में, किस स्टाइल में बने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या डिजाइन है, वो इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको टेम्पल्स का या साउथ इंडिया या आर्ट एंड कल्चर का पार्ट शुरू हो जाता है, अजंता अलोरा से शुरू होगा और आगे बढ़ता जाएगा, और साउथ इंडिया के अंदर कंसंट्रेट होंगे। नॉर्थ वाले तो तोड़ दिए गए हैं, समझे, नॉर्थ वाले तो जितने भी लुटेरे आक्रमणकारी आए उन्होंने तोड़ दिए। साउथ इंडिया के जो टेंपल्स थे, साउथ इंडिया के जो टेंपल्स थे वो बचे हुए हैं, उनको देखिएगा, उनका आर्किटेक्चर देखिएगा, वहां आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज आर्किटेक्चर, और वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। गुप्ता पीरियड के बाद पोस्ट गुप्ता के ऊपर ज्यादा दुखी होने की आपको जरूरत नहीं है। इन्वेजन्स ऑफ गौरी वगैरह, इन्वेजन्स अरब इन्वेजन्स, उसके बाद सीधा आप अरब इन्वेजन्स को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक आधा फैक्ट आ जाता है, और उसके बाद गौरी, मोहम्मद गौरी, उसका एक आधा फैक्ट आ जाता है। फैक्ट इनको याद करें या ना करें, लेकिन मेरा मानना यह है टेम्पल्स और आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टेम्पल्स और आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्स और आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे इनका पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा होता है कि भाई ये टेम्पल कहाँ है और किस स्टाइल में बना हुआ है, समझे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक तो ये अशोका बुद्धिज्म जैनिज्म बस, और वैदिक पीरियड के लिटरेचर
चार चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये रटने पड़ेंगे। इन में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलता है, समझे। अब भैया अगर पूछेगा तो रखा हुआ मिलेगा, अब नहीं पूछेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूछेगा तो कहाँ से आएगा मैं उसका बता सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि ये ही पूछेगा, समझे। आगे एनसीईआरटी इसका बेसिक कंसेप्ट बताएगा और ये लूसेंट बेसिक फैक्ट यार रखते रहो काम खत्म, लूसेंट हो गया, मैकबुक हो गया, कोई भी एक फैक्ट्स वाली बुक, कंसेप्ट वाली तो एनसीईआरटी है, क्योंकि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन अगर आया तो एनसीईआरटी से ही आपका काम चल जाएगा। मिडिवियल इंडिया, मिडिवियल इंडिया मध्यकालीन भारत। अब अगर आप इस मिडिवियल इंडिया की बात करते हैं तो मेरा मानना यह है कि यहां आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है इसे। एक तो पार्ट है साउथ इंडिया का, और इस साउथ इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में ही चोल चेर पांड्यास इनको और इनके टेंपल्स को, इनके आर्किटेक्चर को, जो भी इनसे रिलेटेड है, साउथ इंडिया में आपने टेंपल आर्किटेक्चर को ही अच्छे तरीके से रटना है, समझना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। साउथ इंडिया में आर्किटेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसी में से सवाल आता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी डायनेस्टीज वगैरह को आप करें, मेरा मानना यह है इससे अच्छा आप इसके आर्किटेक्चर यानी कौन सी मस्जिद कहाँ है और कौन सा मकबरा कहाँ है, यही याद कर लें, कौन सी मस्जिद कहाँ है, कौन सा मकबरा कहाँ है, और सम पार्ट्स ऑफ लिटरेचर, यहाँ का लिटरेचर भी, तमिल लिटरेचर की कुछ किताबें हैं दो तीन, उन्हें याद कर लीजिएगा। इधर साउथ इंडिया में चोल चेर पांड्या के बाद अगर आप यहाँ देखते हैं तो एक विजयनगर और एक बहमनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझे। विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा और साथ में आर्किटेक्चर, बहमनी का आर्किटेक्चर पढ़ के जाइएगा और इसमें अलग अलग कौन सी डायनेस्टीज आई थी वो। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ डायनेस्टीज आती हैं कि कौन सा आया, तो सबसे पहले सल्तनत, फिर मुगल्स, समझे, मुगल्स और सल्तनत, सल्तनत और मुगल्स के बीच में यहां पर मराठा आए, तो इन मराठों के अंदर आपने इसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और पेशवा को पढ़ना है। पेशवा भी नहीं पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, और इस प्रशासन में अष्ट प्रधान, इनको पढ़ना है इसका क्या काम होता था। ये सेक्शंस मिडिवियल के हैं, इसमें ज्यादा आप डेप्थ में जाकर कुछ करने की जगह सिर्फ रटिएगा, रटेंगे मींस बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ने के बाद आपकी एक सबकॉन्शियस नॉलेज डेवलप हो जाएगी और वो सबकॉन्शियस नॉलेज ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये याद रखिएगा, सबकॉन्शियस नॉलेज, और वही सबकॉन्शियस नॉलेज आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो इस तरीके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। अगर आप हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, मान लीजिए अगर 15-20 क्वेश्चंस आ गए आर्ट एंड कल्चर मिला के 20-22 क्वेश्चंस, तो कमोबेश यही परसेंटेज रहती है, 20-22 में से लगभग 15 क्वेश्चंस तो इसी मोटे मोटे सेक्शंस में से पूछ लिए जाते हैं, बाकी एक एक दो दो क्वेश्चन अलग अलग सेक्शंस में से होते हैं। यहीं पर सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही चीजें आपको देखनी है, समझे। और इसी तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह सकती है, रह जाती है, यू कैन कॉल मी, और मुखर्जी नगर वाले तो मेरे से ऑफिस में आके मिल सकते हैं, अब हम वहां पर मौजूद हैं, समझे। तो इस तरीके से हिस्ट्री के बारे में एक इंट्रोडक्टरी हो गया, बाकी पॉलिटी ज्योग्राफी अगले वीडियोज में। थैंक यू।